जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा भारत की मूल भाषा नहीं है। अंग्रेजों ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया और जब वे इंग्लैंड से भारत आए तो अपने साथ अपनी संस्कृति और भाषा को भी यहाँ पर लेकर आए और इस प्रकार से अंग्रेजी भाषा का भारत में प्रचार और प्रसार हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति तिवारी और आप देख रहे हैं अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति। इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंग्लो फ्रीजियन डायलैक्ट्स ब्रॉट टू ब्रिटेन इन द मिड 5th to 7th centuries AD बाय एंग्लो सैक्सन माइग्रेंट्स। अंग्रेजी मुख्यतः वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज की एक शाखा है और इसकी उत्पत्ति एंग्लो फ्रीजियन डायलैक्ट से हुई है और ब्रिटेन में यह एंग्लो सैक्सन प्रवासियों के द्वारा 5वीं शताब्दी में लाई गई। जैसा कि हम मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि बहुत सारी भाषाओं की जो मदर लैंग्वेज है वो जर्मेनिक लैंग्वेज है और वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज से अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति हुई है। इंग्लिश इज़ अ मेंबर ऑफ द जर्मेनिक फैमिली ऑफ लैंग्वेज। जर्मेनिक इज़ अ ब्रांच ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। अंग्रेजी जर्मेनिक फैमिली ऑफ लैंग्वेज की एक सदस्य है और जर्मेनिक लैंग्वेज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली की एक ब्रांच है। Now, let's see the history of English language. English language is originated in England. The history of English language is started with the arrival of the 3 Germanic tribes who invaded Britain during the 5th centuries AD. अंग्रेजी मुख्यतः इंग्लैंड की भाषा है और अंग्रेजी भाषा का इतिहास 5वीं शताब्दी से शुरू होता है जब 3 जर्मेनिक जातियों ने इंग्लैंड में आक्रमण किया था 5वीं शताब्दी में। दीज ट्राइब्स वर द एंगल द सैक्सन एंड द जूट्स। दीज ट्राइब क्रॉस द नॉर्थ सी फ्रॉम व्हाट टुडे इज डेनमार्क एंड नॉर्दर्न जर्मनी। ये जनजातियाँ थीं द एंगल्स द सैक्सन एंड द जूट्स। इन जनजातियों ने उत्तरी समुद्र को पार किया जो कि आज डेनमार्क एंड नॉर्दर्न जर्मनी है। At that time, the inhabitants of Britain spoke Celtic language, but most of the Celtic speakers were pushed the west and the north by the invader, what is now Wales, Scotland and Ireland. उस समय ब्रिटेन में Celtic language बोली जाती थी, मगर आक्रमणकारियों के द्वारा अधिकतर Celtic speakers को पश्चिमी और उत्तरी दिशा में भेज दिया गया जो कि आज वेल्स, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड हैं। चलिए अब जानते हैं अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति के विषय में एक इंटरेस्टिंग जानकारी। एंगल ट्राइब्स ने जिस जगह पर रहना शुरू किया उस जगह को एंग्ला लैंड कहा गया जो कि आज का इंग्लैंड है और उनकी भाषा इंग्लिश थी जो कि आज की अंग्रेजी भाषा है। द एंगल्स ट्राइब केम फ्रॉम एंग्लालैंड एंड देयर लैंग्वेज वॉज कॉल्ड इंग्लिश फ्रॉम विच द वर्ड इंग्लैंड एंड इंग्लिश डिराइव्ड। एंगल्स ट्राइब्स ने जिस जगह पर रहना शुरू किया उसको एंग्लालैंड कहा गया जो कि आज का इंग्लैंड है और उनकी भाषा इंग्लिश थी जो कि आज की अंग्रेजी भाषा है और इस तरह से अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति हुई। तो ये तो थी जानकारी अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति के विषय में। चूँकि हम इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं इसलिए इंग्लिश भाषा कहाँ से आई इसकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे।